फिल्म की शुरुआत में हम एक कमरे का बुरा हाल देखते हैं, जहां पर चारों तरफ बहुत सारे किताबों के पन्ने बिखरे पड़े थे। एक लड़की जिसका नाम एलिशिया था, वो वहां चारों तरफ पेट्रोल डाल रही थी ताकि सभी किताबों और पन्नों को आग लगाई जा सके। एलिशिया के सामने एक औरत भी थी जो उसे रो रो कर ऐसा करने से मना कर रही थी, पर वो तो उस पर भी पेट्रोल डाल देती है और एक किताब को आग लगा कर औरत के ऊपर फेंक देती है, जिससे औरत जलने लगी। वो मारी जाती है। उसके साथ ही कमरे में भी आग लग जाती है और सारा ही कमरा जलने लगता है। यहाँ एक कंप्यूटर भी रखा था जो भी आग में जल रहा था, लेकिन वो अभी भी ऑन था और उस पर एक मैसेज लिखा हुआ था, शी विल बी द वन टू डाई, यानी अब वो मरने वाली है। इसके बाद हमें 6 साल के बाद की कहानी दिखाई जाती है, जहाँ पर कहानी के मेन कैरेक्टर एक लड़की को देखते है जिसका नाम एंजेला था। वो और उसके कुछ दोस्त थे जो सब राइटर बन रहे थे और एक कॉलेज में साथ पढ़ा करते थे। ये सब लोग फिर अपने बुक क्लब की मीटिंग में आती है। ये पर अपने अपने लिखे गए नॉवेल्स और किताबों के बारे में एक दूसरे को बताते हैं और ऐसे ही नए नए नॉवेल्स कहानियाँ पढ़ पढ़ के एक दूसरे के साथ उस पर बातें भी करते हैं। आज ये जिस किताब की बात कर रही थी वो ड्रोनी किताब थी, पर इसी बातचीत के दौरान एक लड़की सिबास और एंजेला के दोस्त की बहस हो जाती है, जिस वजह से एंजेला का दोस्त नाराज होकर वहाँ से चला जाता है। एंजेला उसके पीछे जाती है बात करने। उसका दोस्त कहता है कि सिबास मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, तुम मेरी दोस्त हो इसलिए तुम भी उससे दोस्ती तोड़ दो। लेकिन एंजेला ऐसा करने से मना कर देती है कि तुम दोनों मेरे लिए बराबर हो, ये हमारा आपस का मसला है, मैं नहीं कर सकती ऐसा। जिसके बाद रात को सिबास और एंजेला बातें करती हैं। वो उसे बताती है कि एक बात की वजह से मैं बहुत परेशान हूँ, मैंने 6 साल से एक भी किताब नहीं लिखी और अब मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं कोई राइटर ही नहीं हूँ। जिस पर सिबास उसे तसल्ली देता है कि तुम फिक्र ना करो, अगर किताब लिखने में तुम्हें कोई भी मदद चाहिए तो मुझे बता देना, मैं तुम्हारा पूरा साथ दूंगा। ये दोनों मिले और वहाँ से अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं। अब एंजेला को अपनी गलती का एहसास हुआ, इसीलिए वो अपने दोस्त से अपने बुरे बर्ताव के लिए माफी मांगती है। जिसके बाद वो घर आ गई और प्रोफेसर को ईमेल करने का सोचती है। उसने पूरा मैसेज लिख लिया था कि मैं किताब लिखने के लिए नई कहानी की तलाश कर रही हूँ, तो सर मुझे आपकी मदद चाहिए। अब वो थोड़ा सोचती है, फिर मेल करने से रुक जाती है, क्योंकि तभी उसे सिबास की बताई हुई किताब याद आ जाती है जिसका नाम था किलर क्राउन, यानी इस किताब में कातिल एक जोकर था, पर था वो आम इंसान ही। जोकर वो एक बीमारी की वजह से बनता है, जब भी उस पर वो बीमारी हावी होती है उसका दिमाग इतना खराब हो जाता है कि वो जोकर का मास्क और कपड़े पहन लिया करता है और फिर दर्दनाक तरीके से वो लोगों को मारता है। अब ये देखकर एंजेला भी काफी डर गई और लैपटॉप बंद कर देती है। अगले दिन क्लास में प्रोफेसर बताते हैं कि ड्रोनी कहानियाँ लिखने में लोग बहुत बड़ी बड़ी गलतियाँ कर देती हैं, जिस वजह से उन कहानियों में बहुत सारी कमियाँ रह जाती हैं और कहानी में मजा नहीं आता। जैसे कि एक राइटर किसी दूसरे की ड्रोनी कहानी लेकर उसे अपने हिसाब से बदल कर नई कहानी बना देता है, और एक अच्छा राइटर बनने के लिए खुद ही अपनी कहानी बनाओ कैसे भी करके। अब ये सुनकर एंजेला सोच में पड़ जाती है, क्योंकि जाहिर है वो भी किसी की कहानी लेने का सोच रही थी अपनी कहानी बनाने के लिए। क्लास खत्म होने के बाद प्रोफेसर एंजेला से बात करते हैं, कहने लगी जरा ऑफिस में आओ, मुझे तुमसे बात करनी है। एंजेला जब वहाँ गई तो प्रोफेसर बताते हैं कि मुझे तुम्हारी भेजी हुई ईमेल मिल गई थी। ये सुनकर वो सोच भी पड़ जाती है कि मैंने तो मेल सेंड ही नहीं की थी, लेकिन फिर उसे ख्याल आया कि शायद मैंने मेल भेज दी होगी जो मैं भूल गई हूँ। फिर प्रोफेसर उसे अपने बारे में बताने लगते हैं कि मेरी जिंदगी कुछ खास अच्छी नहीं चल रही, बहुत परेशानियाँ हैं क्योंकि मेरी डिवोर्स होने वाली है। अब एंजेला भी अपने बारे में बताने लगती है कि सर मुकम्मल कहानी बनाने के लिए मुझे आपकी चाहिए। ये सुनकर प्रोफेसर वहाँ का दरवाजा बंद करते हुए कहते हैं, अच्छा ये मेल थी लेकिन मुझे तो कोई और ही मेल मिली थी। ये कहकर वो अजीब तरह से एंजेला के पास आया और उसके साथ बदतमीजी करने लगता है, जिस वजह से उसे इतना गुस्सा आ गया कि वो जोर से प्रोफेसर को टांग मारती है और कहती है जल्दी से दरवाजा खोलो, अगर तुमने ऐसा ना किया तो मैं चिल्लाने लग जाऊंगी। तब प्रोफेसर दरवाजा खोल तो देता है, लेकिन साथ में उसे धमकी भी देता है कि अगर तुमने इस बारे में किसी को कुछ बताया तो मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। लेकिन क्योंकि वो बहुत दुखी थी, उसे गुस्सा भी था, इसलिए वो इस बारे में अपने सब दोस्तों को बता देती है, पर प्रोफेसर के खिलाफ रिपोर्ट नहीं करती। लेकिन उसके दोस्तों को बहुत गुस्सा था, वो फैसला करते हैं कि इस चीज का बदला हम प्रोफेसर से लेकर ही रहेंगे ताकि आगे से वो ऐसी हरकत ना करे। इसलिए अब ये सारे दोस्त रात के वक्त जोकर का मास्क लगाते हैं और प्रोफेसर को सबक सिखाने चले जाते हैं। उस जगह गए जहाँ प्रोफेसर था और वो इनसे डर कर भाग ही रहा था कि तभी कोई और भी मास्क पहना अनजान आदमी वहाँ आ जाता है, जिसने हाथ में हथौड़ी पकड़ी हुई थी जिसकी तेज बारीक नोक थी। प्रोफेसर जब उसके पास गया तो वो हथौड़ी से उस पर हमला कर देता है। हथौड़ी प्रोफेसर के सर में लगी जिससे वो जख्मी हो गया, लेकिन जल्दी से अपनी जान बचाने के लिए ऊपर की तरफ भागा जहाँ पर एंजेला थी। प्रोफेसर को बहुत डर लग रहा था, इसलिए वो हड़बड़ी में वहाँ से भागने लगा, लेकिन अचानक उसका पैर फिसला और वो ऊपर से सीधा नीचे जाके गिरता है। नीचे नोक वाला खम्बा लगा हुआ था जिसके ऊपर प्रोफेसर गिरा और वो इसके आर पार हो गया, जिससे मौके पर ही प्रोफेसर की मौत हो जाती है। इतनी ही देर में बाकी सब भी ऊपर आ गए और ये सब देखकर उन्हें लगा कि
प्रोफेसर को एंजेला ने ही मारा है धक्का देकर, लेकिन वो रोते हुए अपनी सफाई में बताती है कि मैंने नहीं मारा उन्हें। वो जब ऊपर आई थी तो उनके सर पर पहले से खून लगा हुआ था, इन्हें नीचे ही किसी ने उन पर हमला किया। क्योंकि ये सब दोस्त थे इसलिए फैसला करते हैं कि जो हुआ सो हुआ, हम इस बारे में किसी को कुछ नहीं बताएंगे। पर एंजेला कहती है कि नहीं, पुलिस को बुला लेती है क्योंकि उन पर किसी ने हमला कर दिया था। जिस पर सारे लोग उसे समझाते हैं कि नहीं, ऐसी बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती है। जिसके बाद वो सारे अपने अपने जोकर के मास्क को जला देती है और वादा करते हैं कि बस इस राज को यहीं दफन कर दो, कोई किसी को कुछ नहीं बताएगा। जिसके बाद सबको यही लगने लगता है कि प्रोफेसर ने खुद अपनी जान ली थी। अब उन दोस्तों की जिंदगी में सब पहले जैसा नॉर्मल तो हो चुका था, लेकिन एंजेला प्रोफेसर की मौत का जिम्मेदार खुद को समझती थी, जिस वजह से वो हर वक्त परेशान रहने लगी थी। फिर अब कुछ दिन के बाद कोई इन सब के पास एक नॉवल का पहला चैप्टर भेजता है, जिस चैप्टर का नाम था डेथ ऑफ द प्रोफेसर, यानी प्रोफेसर की मौत। ये सुनकर सभी काफी हैरान और परेशान हो जाते हैं, लेकिन फिर एक दूसरे पर ही शक करने लगे कि ये सब कुछ हम में से ही कोई एक कह रहा है, क्योंकि जाहिर है प्रोफेसर की मौत की सच्चाई इन लोगों के अलावा और कोई नहीं जानता था। लेकिन फिर भी ये काफी डरे हुए थे। कुछ दिन के बाद सिबास एंजेला को बताता है कि उस नॉवल का दूसरा चैप्टर भी आ गया है। वो जब उसे पढ़ती है तो इस चैप्टर का नाम था कि पागल जोकर ने तुम्हारे एक दोस्त को मार दिया। तो अब चैप्टर के मुताबिक एंजेला और सिबास उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां जोकर ने इनकी दोस्त को मारा था। इन्हें वहाँ अपनी दोस्त की लाश तो नहीं मिलती, लेकिन दीवार पर लिखा हुआ जोकर का मैसेज मिल जाता है, जो था टू बी कंटिन्यूड, यानी ये जारी रहेगा। अब तभी यहाँ इनकी एक और दोस्त आ गई जो बताती है कि मैं पता लगवा सकती हूँ वो जोकर कौन है। जिसके बाद ये सब कॉलेज में एक जगह इकट्ठा होते हैं और इनकी वो दोस्त बताती है कि वो जोकर हमारे कॉलेज का ही है, वो हम सबको अच्छे से जानता है और उसे ये भी पता है कि खौफ कैसे फैलाते हैं। उसने अपने नॉवल के लिए हम दोस्तों को चुना है, तो इस हिसाब से हम ही उसकी कहानियों के कैरेक्टर्स हैं। बहरहाल वो जो भी है ड्रावनी चीजों को पसंद करने वाला है, इसीलिए हमें इंटरनेट पर और कॉलेज की वेबसाइट पर ही उसे ढूंढना चाहिए कि कौन ड्रावनी चीजों को पसंद करता है। अगले दिन ये अपनी अपनी तरफ से कॉलेज की सारी जानकारी निकाल लेती है और इन्हें पता चलता है कि इस पूरे कॉलेज में सिर्फ यही लोग हैं जो ड्रावनी चीजों को पसंद करते हैं। तो अभी मुमकिन हो सकता है कि वो जोकर इन्हीं में से हो। अब प्लान के मुताबिक ये लोग लाइब्रेरी में गए। एंजेला जब अकेली थी तो तभी उसके पास जोकर का मैसेज आता है, जो कह रहा था कि मैं तुम्हें देख रहा हूँ। ये पढ़कर एंजेला ने जब सामने देखा तो वहाँ सच में जोकर खड़ा था, जो उसे हाथ का इशारा करता है। ये देखकर वो काफी डर गई, जल्दी से वहाँ से भागने लगती है, लेकिन तभी अपने बेस्ट फ्रेंड से टकरा जाती है। ठीक इसी वक्त उसके बाकी दोस्त भी आ गई। अब वो लोग हैरान थे कि इसी तो हमारे प्लान के बारे में पता भी नहीं था, लेकिन फिर भी ये यहाँ आ गया। तो अब इन्हें उसी पर ही शक होने लगता है। रात को इनके कुछ दोस्त एक क्लब में गए जहाँ का मालिक एंजेला का बेस्ट फ्रेंड ही था। थोड़ी देर बाद जब सिबास का दोस्त क्लब से बाहर आया तो तभी वहाँ जोकर आ जाता है, लेकिन उसका दोस्त बगैर डरे आगे बढ़ा और जोकर को मारने लगता है। जिसके बाद वो जोकर का मास्क हटाकर कहता है, तुम यहाँ पर कैसे? पर वो बगैर कुछ कहे उसके पेट में अपना हथियार घुसा देता है। उसका पूरा पेट कट गया, मुंह से भी खून निकलने लगता है और वहीं उसकी मौत हो गई। खैर अब एंजेला के पास जोकर तीसरा चैप्टर भी भेज देता है, जिसमें उसने बता दिया था कि मैंने सिबास के दोस्त को मार दिया है। अब ये सारे दोस्त फिर से इकट्ठा हुए और दोबारा एक दूसरे पर इल्जाम लगाने लगे। लेकिन अब जब ये अपने दोस्त की लाश को ढूंढने लगते हैं तो वहाँ फिर से जोकर का मैसेज लिखा हुआ था, टू बी कंटिन्यूड। अब सिबास एंजेला को बताता है कि जिस आईडी से जोकर हमें मैसेज भेजता है, मैंने उसे इंटरनेट पर हर जगह ढूंढा है, जहाँ मुझे एक लड़की का पता चला जो कुछ साल पहले से ही जोकर से कनेक्ट है, और उस लड़की का नाम है एलिशिया, यानी वही जिसने शुरुआत में किताबों वाले कमरे में आग लगा दी थी। अब एलिशिया का नाम सुनकर एंजेला बताती है कि मैंने जो नॉवल लिखा है वो इसी लड़की को मेन कैरेक्टर बना के लिखा। इस लड़की की मां नॉवल और कहानियों की दीवानी थी, इसलिए वो एलिशिया को हर वक्त कुछ न कुछ सुनाने को कहती थी, लेकिन जब वो मना करती तो उसकी मां उसे खूब मारती थी। तो इसी वजह से तंग आकर एक दिन एलिशिया ने अपनी किताबों वाले कमरे को भी आग लगा दी, जिसके बाद उस पागल लड़की ने अपनी मॉम को जलाकर मार डाला। इन्हें जो शुरुआत में हुआ और वो औरत जो रो रही थी वो एलिशिया की मॉम थी। एंजेला बताती है कि मुझे ये कहानी काफी पसंद आई थी और क्योंकि मेरे पास लिखने के लिए कोई आइडिया नहीं था, इसलिए मैंने अपनी किताब में एलिशिया की कहानी लिखी। वो कहानी लोगों को इतनी पसंद आई कि मेरी किताब बहुत मशहूर हो गई। मेरी ये कामयाबी देखकर एलिशिया को बहुत गुस्सा आया, उसने मुझसे राब्ता किया और कहा कि इस चीज का बदला मैं तुमसे लेकर रहूंगी। हालांकि मैंने उसे समझाया कि मत करो, माफी भी मांगी, लेकिन उसने कहा कि देखना एक दिन मैं ऐसी कहानी लिखूंगी जिससे तुम्हें बहुत तकलीफ होगी और मुझे सुकून मिलेगा। जो सुनकर सिबास कहते हैं, अच्छा तो इसका मतलब कि एलिशिया ही जोकर है। जिस पर एंजेला कहती है, पर उसकी तो मौत हो चुकी है क्योंकि जब उसने अपनी मॉम को जलाकर मारा था तो बाद में उसने अपने आप को भी जलाकर मार लिया था, लेकिन इस सब की जिम्मेदार मैं हूँ, ये जो भी हो रहा है मेरी वजह से हो रहा है। ये सुनकर सिबास उसे गले से लगाकर तसल्ली देता है और यहाँ वो अपने दिल की बात भी बता देता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ।
उधर जोकर एंजेला के दोस्त के पीछे पड़ गया, लेकिन वो जैसे तैसे भागकर एक जगह पर आया और अपनी जान बचाकर वहीं छुप गया। जोकर भी वहां आ जाता है, लेकिन उसके दोस्त ने मौका पाकर जोकर पर हमला कर दिया और उसे टांगों से मार मार कर नीचे गिरा दिया। अब एंजेला के दोस्त को लगा कि ये बेहोश है, इसलिए उसने उसका मास्क हटाकर देखने का सोचा, लेकिन तभी जोकर जो नाटक कर रहा था वो हथौड़ी से उस पर हमला कर देता है, जिससे वो बेहोश हो गया। लेकिन वो या एंजेला के दोस्त को जान से नहीं मारता। अब एंजेला अपने दोस्त का वीडियो देखती है जिसमें वो कहता है कि जोकर ने एक मैसेज भेजा है जिसमें वो कह रहा है कि मैं अपने इस नॉवल को किताब के रूप में छापने जा रहा हूँ, जिस मकसद के लिए मैंने एक फंक्शन रखा है, तो मैं चाहता हूँ तुम सब उस फंक्शन में शामिल हो, लेकिन मेरे कॉस्ट्यूम में, यानी तुम मेरी जोकर वाली रूप में आओगे। तो अब ये सारे लोग उस फंक्शन में पहुँच जाते हैं, जहाँ तभी एंजेला के पास जोकर का मैसेज आता है। उसने दरअसल एक वीडियो भेजी थी जो इन लोगों की अभी अभी की थी, जिसका मतलब वो इन पर नजर रख रहा है। तो अभी सारे लोग अलग अलग होकर जोकर को ढूंढने का प्लान बनाते हैं, लेकिन जब वो ऐसा कर रही थी तो उन्होंने वहाँ हलचल मचा दी थी, इस वजह से सिक्योरिटी इनकी एक दोस्त के पीछे पड़ जाती है। वो जल्दी से वहाँ से भागी और एक जगह पर आकर छुप जाती है, लेकिन तभी वहाँ मौत आ गई, यानी कि वो जोकर, जिसे देखकर वो इतना डर गई कि वहाँ से भागने लगती है। पर तभी पीछे से जोकर आकर अपनी हथौड़ी उसकी कमर में घुसाकर आर पार कर देता है, जिससे वो बहुत बुरी मौत मारी जाती है। अब जब ये सारे दोस्त अपनी उस दोस्त को ढूंढने गयी तो इन्हें उसकी लाश पानी में तैरती हुई देखी, और तो वो साथी भी बुरी हालत में वहाँ आया जिसने वीडियो रिकॉर्ड की थी। ये सब उसका मास्क हटाकर देखते है तो उसका गला जोकर ने बुरी तरह काट दिया था, दीदी से उसका खून बह रहा था, और ऐसी उनकी आंखों के सामने वो बहुत बुरी मौत मारा जाता है। अब जोकर की हथौड़ी इनकी एक दोस्त ने अपने हाथ में पकड़ी हुई थी, इसलिए सबको लगता है कि इसने ही अपने दोनों दोस्तों को मारा है, लेकिन वो साफ मना कर देती है कि नहीं नहीं मैंने नहीं मारा इनको। इस सारी सूरत हाल की वजह से एंजेला भी होश हो जाती है, और जब उसे होश आई तो उसका बेस्ट फ्रेंड एंजेला को एक वीडियो दिखाता है जिसमें जोकर ने सिबास को पकड़ के बांधा हुआ था। अब एंजेला जब सिबास को बचाने उस जगह पर जाती है तो वो ये देखकर काफी हैरान रह जाती है कि ये लोग अपने जिस दोस्त पर शक कर रहे थे उसे भी बुरी तरह जख्मी कर दिया था, उसकी हालत मरने वाली थी। लेकिन वो एंजेला को बताती है कि मैं जोकर नहीं हूँ, जो बताकर उसकी मौत हो जाती है। तब उसके बाद एंजेला सिबास के पास जाकर उसे बचा लेती है। ठीक इसी वक्त यहाँ पर एंजेला का बेस्ट फ्रेंड भी आ गया, जो उसे बहुत को जानकारी देता है, कहने लगा कि असल में सिबास ही जोकर है, क्योंकि एंजेला ये सब कुछ वो इसलिए कर रहा है क्योंकि तुम्हारे लिए पागल है, तुम्हें पाना चाहता है। अब तभी सिबास अपनी जगह से उठा और अपनी हथौड़ी को उसके बेस्ट फ्रेंड के पेट में घुसाकर बुरी तरह उसे जख्मी कर देता है, जिसके बाद वो हथौड़ी दिखाकर एंजेला को भी डराने लगा और कहता है कि हाँ मैं ही क्लोन वो जोकर हूँ, और ये भी सच है कि ये सब मैंने तुम्हें पाने के लिए किया, ये सब मैंने पूरे प्लान से किया, मैंने पहले सारी कहानी बनाई, फिर कैरेक्टर्स बनाए, और फिर एक एक करके जिसकी बारी थी उन सब को मार दिया, जिससे यह हम समझ पाए कि वो असल में एक पागल राइटर है जो अपने मकसद को पाने के लिए अपनी कहानी को ऐसे खतरनाक मोड़ देता है कि उसे हर हाल में वो पूरा करता भी है। ये सब बताते बताते वो एंजेला के काफी पास आ गया, तब मौका पाकर वो उसकी गर्दन में पेन घुसा देती है जो आर पार होकर उसके मुँह में घुस गया। उसे तकलीफ होने लगी, तब मौका पाकर वो जल्दी से यहाँ से भागने लगती है, लेकिन तभी सामने एंजेला की एक और दोस्त आ जाती है, वो भी जोकर के कॉस्ट्यूम में, हाथ में उसने भी हथौड़ी पकड़ी हुई थी। वो कहती है मैं एलिशिया हूँ जो मरी नहीं थी बल्कि बच गई थी, और मैंने ही सिबास के साथ मिलकर ये सारी कहानी लिखी थी और तुम्हारे सभी दोस्तों को एक एक करके मार दिया। मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि मेरा प्लान था कि मैं ये साबित करूं कि तुम्हें भी जोकर वाली वो बीमारी हो गई है, इसलिए तुमने अपने सभी दोस्तों को मार दिया, सारा इल्जाम तुम पर आ जाएगा, तुम फंस जाओगी, जिसके बाद तुम्हारी इस कहानी को किताब की सूरत देकर सिबास पब्लिश करेगा, इन्हें छापेगा और सभी लोगों को ये बहुत पसंद आएगी। बिल्कुल वैसे इसे तुम्हारी चुराई हुई मेरी कहानी हिट हुई थी और तुम मशहूर हो गई, और सिर्फ यही नहीं बल्कि मैं और सिबास इस पर एक फिल्म भी बनाएंगे और खूब पैसे भी कमाएंगे। जब वो ये बातें बता रही थी तो एंजेला उन दोनों के पीछे अपने बेस्ट फ्रेंड को देखती है जो मरा नहीं था बस जख्मी हुआ था। एंजेला उनका ध्यान भटकाती है, तब उसका दोस्त सिबास को धक्का दे देता है उसी जगह से जहाँ से प्रोफेसर गिरा था, वो भी नोकदार खम्भे पर ही गिरा था जो उसके मुँह से होता हुआ सर के आर पार हो जाता है, और ऐसे सिबास की मौत हो जाती है। ये देखकर एलिशिया उसके दोस्त पर थोड़ी सी हमला कर देती है जिससे वो काफी जख्मी हो जाता है। ये देखकर एंजेला वहाँ से भाग गई, तब एलिशिया भी उसका पीछा करती है उसे मारने के लिए, तब वो भागकर बेसमेंट में चली जाती है। अब जब एलिशिया उसे मारने के लिए आगे बढ़ रही थी तो तभी एंजेला वहाँ बिजली छोड़ देती है जिससे वहाँ शॉर्ट सर्किट होने की वजह से आग लग गई, जिसकी लपेट में एलिशिया भी आ जाती है और यही उसकी मौत हो जाती है। थोड़ी ही देर में यहाँ पुलिस आ गई जो एंजेला और उसके दोस्त दोनों को बचा लेती है क्योंकि वो अभी भी जिंदा था और अब सब कुछ ठीक हो जाता है। इसके बाद कहानी एक साल के बाद की दिखाई जाती है जहाँ पर सभी स्टूडेंट्स अपनी राइटर बने
क्लास ले रही थी और यहाँ पर एंजेला भी थी। वो जब बाहर आई तो तभी उसे अपने सामने जोकर दिखाई देता है जिसने हाथ में हथौड़ी पकड़ी हुई थी। उसने जब मास्क हटाया तो पता चला कि और कोई नहीं बल्कि एलिशा ही है जो एक बार फिर बच गई। और अब वो एंजेला को मारने उसकी तरफ बढ़ती है जिसे देखकर वो जोर से चिल्लाने लगती है। इसी सस्पेंस के साथ ही ये फिल्म इधर ही खत्म हो जाती है।